आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ हाटू पीक और हम लगभग पहुँच ही चुके हैं और ये बहुत बढ़िया सफ़र है। यहाँ पर बर्फ भी पड़ी है और यहाँ पर थोड़ी धूप आ रही है, तो हम अभी चलते चलते अभी सबसे ऊपर टॉप पे पहुँचेंगे, उसके बाद एक नज़ारा देखने वाले हैं लाइक अ पिकनिक। हम यहाँ पर जा रहे हैं तो कम बतनी और ये मेरे पापा जी हैं, बड़े भाई। हम एक बहुत ही मनोरम पर्यटन स्थल में हैं इस समय, जिसका नाम है हाटू पीक। यहाँ पे एक मंदिर है बहुत ही पुराना, माता का, काली माता का। तो हम आपको अभी दिखाएंगे ग्रेट हिमालयन रेंज, जो कि लबकद हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरी हुई है। तो गाइस हम ऊपर तो पहुंच चुके थे, तो अभी हम जा रहे हैं माता के मंदिर। तो अभी हम उससे 100 मीटर दूर हैं और अभी हम उधर जाना है, वहाँ पर एक मंदिर है माता का। और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं कि ये मंदिर होगा। तो लेट्स गो और फिर दर्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। गाइस ये है हमारा मंदिर का गेट, तो अभी हम गेट के पास जाएंगे, फिर अंदर दर्शन करके हम थोड़ा मंदिर का आपको मंदिर दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे। गाइस आप यहाँ से परे सब कुछ देख सकते हो। क्योंकि हम ऊंचाई तक आए हैं इसलिए हम थोड़ा थक चुके हैं, दैट्स व्हाई अभी हम रेस्ट रूम जा रहे हैं। और सामने आपको कुछ सुंदर सी हिमालयन रेंज दिखेगी और यहाँ पर मेरे मॉम डैड हैं,
You have to say something? No. And और यहाँ पर बहुत काफी सारी क्राउड आती है. और गाइस अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ. तो हम पहले नारकंडा की तरफ जाएंगे और ध्रुव बहुत आगे निकल चुका है. अब उसे अब बेचारा थक भी गया है काफ़ी. तो एंजॉय करते हुए अब हम वापस जा रहे हैं. फ्रेंड्स ध्रुव ने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही मज़ा किया है. तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ये व्यू भी पसंद आया होगा. तो आप लोग जब कभी घूमने आइए तो ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिएगा. बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही ऊंचाई पर है और यहाँ से इधर उधर का जो व्यू दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है. आई होप आपको ये दृश्य बहुत ही मनोरम लगा होगा. और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल के बीच में ये हाटू पीक है. और वो दूर सामने जो दिख रहा है बिल्कुल ऊपर ये मंदिर है सामने को. और ये इतने घने जंगल के बीच में है तो हमें एक जंगल को क्रॉस करते हुए व्हीकल में जाना होता है. पैदल भी जा सकते हो अगर आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना है. लेकिन बहुत ही सुंदर है यहाँ से. अभी हम वापस आ चुके हैं. कहाँ? हाटू पीक. तो आपको वहाँ जाके कैसा लगा? बहुत बढ़िया. कैसा फील किया आपने और कैसी जगह है? बहुत बढ़िया जगह है और बहुत अच्छा फील करवाती है. लाइक पिकनिक और वहाँ पर आज स्नोफॉल भी था इसलिए मैंने थोड़ा बर्फ में एंजॉय किया.